गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम बात करेंगे वाइटलोजेनेसिस ग्रोथ फेज है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम मैच्योरेशन फेज में या जो मैच्योरेशन फेज है उसकी चर्चा करने से पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है बीच में इससे रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। वो है टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योक अमाउंट और दूसरा है टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि योग जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंट काम है ओवम के अंदर या ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जितने भी मेसोलिसिथल एग हैं या पॉलीलिसिथल एग हैं या सेंट्रोलिसिथल एग हैं या मैक्रोलिसिथल एग्स हैं या हम यूँ कहें वे जंतु जिनके भ्रूण का परिवर्धन शरीर से बाहर होता है उनके अंदर हमेशा योग की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो परिवर्तित हो रहा भ्रूण है उसके भोजन की व्यवस्था योग के द्वारा ही की जाती है। और वे एनिमल या वे जंतु जिनमें भ्रूण जिनके भ्रूण का परिवर्तन शरीर के अंदर होता है उनके एग्स के अंदर योग की मात्रा या भोज्य पदार्थों की मात्रा सदैव कम मिलती है, क्योंकि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण परिवर्धन के दौरान आवश्यक भोज्य पदार्थों का जो उपलब्धता है या जो आपूर्ति है वो मैटरनल टिश्यू के द्वारा या मातृ कोशिकाओं के द्वारा कर दी जाती है। इसलिए जिन जंतुओं में भ्रूण परिवर्धन शरीर के अंदर होता है उनके अंडों में सदैव योग की मात्रा कम पाई जाती है, उसका यही कारण है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योक अमाउंट, योक या पित्तक की मात्रा के आधार पर अंडों के प्रकार, योक या पित्तक की मात्रा कितनी है इसके आधार पर अंडे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रोलिसिथल, दूसरा मेसोलिसिथल और तीसरा पोली और मैक्रोलिसिथल। माइक्रोलिसिथल नाम से ही है सूक्ष्म पीत की अंडे, अर्थात योक की जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। और एग्जाम्पल है प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स मीन्स ट्यूनिकेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका मेमल्स। अर्थात कई बुक्स के अंदर या कई लोग जो माइक्रोलिसिथल एग है इसके स्थान पर जो टर्म काम में लेते हैं एलिसिथल, लेकिन एलिसिथल अंडा कोई होता ही नहीं, ऐसा कोई एग है ही नहीं जिसके अंदर योक न हो, तो वो जो टर्म है वो उचित नहीं लगती है। तो इसके लिए एक ही टर्म है वो माइक्रोलिसिथल एग्स, वे अंडे जिनमें योक की मात्रा कम पाई जाती है। एग्जाम्पल है आदिम कशेरुकी जिसमें ट्यूनिकेट्स और सिफेलोकॉर्डेट, इसके अलावा स्तनधारी या मैमल्स। दूसरा जो प्रकार है वो मेसोलिसिथल, मध्यम पीत की नाम से ही है, वे अंडे जिनके अंदर योग की मात्रा न तो कम होती है न अधिक होती है, अर्थात मध्यम प्रकार की योग की मात्रा पाई जाती है वो कहलाते हैं मेसोलिसिथल। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो है एम्फीबियंस, इसके अलावा पेट्रोमाइजोन और डिप्नोई, इसमें भी जो अंडे हैं वो मेसोलिसिथल प्रकार के हैं, अर्थात योग की जो मात्रा है वो मध्यम प्रकार की होती है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एम्फीबिया। तीसरा जो प्रकार है पॉलीलिसिथल और मैक्रोलिसिथल, अति पीत की, अर्थात वे अंडे जिनके अंदर योग की मात्रा अधिक पाई जाती है वो कहलाते हैं पॉलीलिसिथल और मैक्रोलिसिथल। एग्जाम्पल है जितनी भी अस्थिल और उपास्थिल मछलियां प्लस रेप्टाइल्स प्लस एवीज प्लस अंडे देने वाला मैमल्स, अर्थात डकबिल प्लेटिपस, जो अंडे देने वाला जो मैमल है डकबिल प्लेटिपस, इसके अलावा इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड के अंदर जितने भी इंसेक्ट हैं उनके सभी अंडे पॉलीलिसिथल या मैक्रोलिसिथल होते हैं। तो वे अंडे जिनमें योग की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है वो कहलाते हैं पॉलीलिसिथल या मैक्रोलिसिथल। एग्जाम्पल है बोनी एंड कार्टिलेजिनियस फिशेज, अस्थिल और उपास्थिल मछलियाँ, रेप्टाइल्स, एवीज, डकबिल प्लेटिपस एंड इंसेक्ट्स।
ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात अंडे जिसमें योग पाया जाता है उस योग का वितरण किस प्रकार से है, योग एक पोल की तरफ अधिक है या दूसरी तरफ कम है, या योग केंद्रीय भाग में है या योग परिधीय भाग में है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो योग डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अंडे तीन प्रकार के, पहला है होमोलेसिकल, पहला जो टाइप है वो है होमोलेसिकल, होमोलेसिकल है होमोलेसिकल एग, इट मीन्स योग की जो मात्रा है वो समान, जो वितरण है जो योग का जो वितरण है वो अंडे में समान रूप से होता है और वो कहलाते हैं होमोलेसिकल। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोलेसिकल एग्स, अर्थात सूक्ष्म पीत की जो अंडे हैं उनमें योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे अंडे में समान रूप से होता है। एग्जाम्पल पहले बताई दिया मैंने, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, ट्यूनिकेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट एंड मेमर्स। दूसरा जो प्रकार है वो है टीलोलेसिकल या ध्रुव पीत की, नाम से ही है टीलोलेसिकल, अर्थात इस प्रकार के अंडों में योग एक पोल या एक ध्रुव में अधिक होगा और दूसरे पोल दूसरे ध्रुव में योग की मात्रा कम होगी और एक्टिव साइटोप्लाज्म की ज़्यादा होगी, और जिस पोल में योग की मात्रा अधिक होती है उसमें एक्टिव साइटोप्लाज्म की मात्रा कम और योग की मात्रा अधिक होती है। इस तरह से टीलोलेसिकल एग्स जो हैं उनमें ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस क्लीवेज के दौरान जब ब्लास्टोमियर्स बनते हैं तो वो ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो दो प्रकार के माइक्रो और मैक्रो, छोटे ब्लास्टोमियर्स और बड़े ब्लास्टोमियर्स। कारण क्या है कि छोटे जो माइक्रोमियर्स बनेंगे वो बनेंगे उस पोल की ओर जहाँ पर योग की मात्रा कम है और सक्रिय कोशिका द्रव्य अधिक है, उस भाग में माइक्रोमियर्स बनेंगे, और वो पोल या अंडे का वो भाग जिसके अंदर योग की मात्रा अधिक है और एक्टिव साइटोप्लाज्म की मात्रा कम है वहाँ पर बनने वाले जो ऋणीय कोशिकाएं उन्हें कहते हैं मैक्रोमियर्स या बड़ी कोशिकाएं। और इसका उदाहरण है मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है वो है मेसोलेसिकल और मैक्रोलेसिकल एग्स, टीलोलेसिकल के अंदर मेसोलेसिकल एंड मैक्रोलेसिकल एग्स। इसमें मेसोलेसिकल जो है वो एम्फीबियंस का आपको ध्यान होता दिया मैंने, और तीसरा है सेंट्रोलेसिकल है, सेंट्रोलेसिकल नाम से ही है कि वे अंडे जिनमें योग जो है वो अंडे के केंद्रीय भाग में पाया जाता है जबकि कोशिका द्रव्य या एक्टिव साइटोप्लाज्म वो सिर्फ परिधीय भाग में ही पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एग है, इंसेक्ट का एग है, वो आपने देखा होगा चावल के दाने के समान होता है, तो इसमें जो योग होगा वो केंद्रीय भाग में होगा, ये पूरा जो योग है ये केंद्रीय भाग में होगा, तो इसलिए इनको सेंट्रोलेसिकल है, और इनका जो एग्जाम्पल है वो है इंसेक्ट, और परिधीय भाग के अंदर ये साइटोप्लाज्म, परिधीय भाग में साइटोप्लाज्म और केंद्रीय भाग में योग। जब विदलन होगा इंसेक्ट के एग में विदलन होगा तो अर्ली स्टेज के अंदर, अर्ली क्लीवेज के अंदर सिर्फ एक्टिव साइटोप्लाज्म में ही कोशिका विभाजन होगा और जो केंद्रीय भाग है जिसके अंदर योग है वहाँ पर विभाजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए परिधीय भाग के अंदर विभाजन होगा क्योंकि केंद्रीय भाग में योग है, और जब परिधीय भाग में विभाजन हो रहा है तो उस समय जो अंदर जो केंद्रक है उसका विभाजन होगा, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो भ्रूण है वो बहुकेंद्रकीय संरचना में बदल जाएगा। तो सेंट्रोलेसिकल नाम से ही है योग जब केंद्रीय भाग में, अंडे के केंद्रीय भाग में पाया जाता हो उस एग्स को सेंट्रोलेसिकल है। एग्जाम्पल है जितने भी इंसेक्ट हैं आर्थ्रोपोड की जो क्लास है इंसेक्ट का, वो इंसेक्ट का क्लास में आने वाले सभी इंसेक्ट जो है योग के वितरण के आधार पर उनके अंडे सेंट्रोलेसिकल होते हैं। इस तरह से ये टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ योग अमाउंट एंड योग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं योग का काम क्या है, योग का बहुत इम्पोर्टेंट काम है, योग जो है वो
आवश्यक पदार्थों के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराता है, साथ ही आवश्यक ऊर्जा और भोजन न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाता है, और साथ ही ये संरचना विकास गतियां जब होती हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जब संरचना विकास गतियां होती हैं तो उन संरचना विकास गतियों को योग की मात्रा और वितरण सदैव प्रभावित करती है, अर्थात उन मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट्स को योग प्रभावित करता है। योग की मात्रा और वितरण कैसा है वो दोनों कंडीशन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को प्रभावित करती हैं, और मोस्ट कॉमन इसका जो फंक्शन है, जो इम्पोर्टेंस है, वो है प्रोवाइड द एसेंशियल एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोविंग एम्ब्रियो, साथ ही साथ दे इफेक्ट द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, अर्थात अगर ओवम के अंदर या परिवर्धित हो रहे भ्रूण के अंदर उस अंडे में योग का वितरण कैसा है, एक तरफ अधिक है एक तरफ कम है, तो जिस तरफ अधिक होगा उस तरफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है वो धीमा होगा, जबकि एक्टिव साइटोप्लाज्म अर्थात जिस ओर योग की मात्रा कम है वहाँ पर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है वो तीव्र गति से होंगी। साथ ही साथ जिस तरफ योग की मात्रा अधिक है उधर जब क्लीवेज प्रोसेस चल रही होती है उस समय उस क्षेत्र में बनने वाले भ्रूणीय कोशिकाएं बड़ी होती हैं, और जिस ओर योग की मात्रा कम होती है और सक्रिय कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है उस ओर की भ्रूणीय कोशिकाएं छोटी होती हैं जिन्हें माइक्रोमियर्स कहते हैं। इस तरह से योग का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊसाइट अर्थात ऊसाइट का विभेदन। थैंक्स स्टूडेंट्स।